एक मौसम बनिया होंदा है साढ़े अंदर का। बड़े ध्यान सुनियो, एक मौसम होंदा है बाहर का, एक मौसम बनिया होंदा है साढ़े अंदर का। आपां सारे नूं याद होवेगा, बच्चे जदों क्लास च बैठे होंदे सन, किसी ने छुट्टी लेनी होवे टीचर कोलों, या फिर कोई कापी चैक करानी होवे, जां कोई गल करनी होवे, वो दूजे बच्चे नूं पुछिया जांदा सी भी मूड की है टीचर दा। फिर वो कहिंदा सी मौसम खराब है, भी मैडम दा टीचर दा मूड बिगड़िया होया, हले पंगा ना ले, कापी ना चैक करा, छुट्टी दी गल ना कर, मौसम बिगड़िया होया है। एक मौसम हुंदा है बाहर दा, एक मौसम है अंदर दा। एक सावण है बाहर, एक सावण है अंदर। जरूरी नहीं भी जिहड़ी सावण भारत दे विच है वह सारे जहान विच है। जिवें हुण पिछला महीना हाड़ दा बतीत होया, हाड़ च इत्थे ते गर्मी सी, पर बाहरले मुल्कां च कई थावां ते बर्फ भी पई है हाड़ दे महीने च। हुण बारहवां ते उत्थे भी है, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते उत्थे भी है, हाड़ उत्थे भी चढ़िया। फिर वह किवें कह सकदे ने हाड़ तपंदा, भी हाड़ तपदा है, वह कहिंदे साडे ते बर्फ पई है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी उही है, देशां दे मौसम अलग अलग ने, बाणी सिर्फ बाहरले मौसमां दी गल नहीं। हाड़ दे महीने विच उत्थे भी कोई हिरदे करके तपदा है, हाड़ दे महीने च हिरदे करके कोई इत्थे भी तपदा है, गल अंदर दे मौसम दी चल रही है। ये बड़ा कीमती विचार लेना है भी जिथे बाहर मौसम चेंज होंदे ने साडे विच भी तब्दीली आउंदी है। कोई ठंडे तो तत्ता हो जाता है, तो कोई पोह माघ तो जिमें हाड़ चल जाता है, कोई हाड़ तो पोह माघ चल जाता है, ठंडा हो जाता है तत्ते तो। साडा भी अंदर एक मौसम हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग है 1279। सिर्फ आपां 15 मिनट विचार करनी है, जिहड़ा सौण महीने दे प्रथाए गुरु नानक पातशाह जी दे दो श्लोक ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग है 1279, 1279। बड़े ध्यान नाल सुनियो, उत्थे गुरु नानक पातशाह जी ने बड़ी सोहनी उदाहरण दित्ती है, बड़ी सोहनी उदाहरण दित्तियां ने, ते मनुख नूं एक उपदेश दिता है। सतगुरु जी कहिंदे दो तरह के लोग हन, वो श्लोक है, नानक सावण जे वसै चौं माह होई। फिर बेनती, इस श्लोक नूं तुसीं, इह सौण दा महीना है, जरूर पढ़िओ जरूर। 1279 अंग है, दो श्लोक गुरु नानक पातशाह जी दे ने, मलार राग दी वार है, दोवें श्लोक इकट्ठे हन। पहले श्लोक च गुरु साहब जी कहिंदे भी जदों सौण महीना आउंदा है, नानक सावण जे वसै चौं उमाहा होए। चौं दा अर्थ है चार, उमाहा दा अर्थ है खुशी, चार जणियां नूं खुशी हुंदी है। गुरु नानक साहब जी ने किड्डी कुदरत नूं वेख के डीपली विचार दित्ती है भी जदों सौण महीना आंदा है चार जणियां नूं खुशी बहुत हुंदी है। नानक सावण जे वसै चौं उमाहा होए, तुहाडे सामने स्क्रीन ते शब्द आ रहा है, देखियो। उमाहा दा अर्थ है जी खुशी, चार जणियां नूं खुशी बहुत हुंदी है सौण दे महीने च। ओ किन्हां किन्हां नूं? नागां, मिरगां, पंछियां। ये तीन हो गए, नागा, मिरगा, पंछियां। रसिया घर धन होए, चौथा है रसिया, जिहदे कोल दौलत होवे, रस स्वाद लेण वाला। फिर सुनो, गुरु जी कहिंदे चार जणियां नूं सौण दे महीने विच खुशी बहुत हुंदी है। पहले हन नाग, सप, क्योंकि सप तपे हुए हुंदे ने जहर करके। चंदन दे दरख्त ते अगे तुसीं देखिया होवेगा फिल्मां च, टीवियां च, फोटोआं च, वह लिपटे हुए होंगे, क्योंकि चंदन ठंडा होंदा है, सप अंदरों जहरीला होंदा, उन्हें ठंडक चाहिए है। हुण कणकां की कटाई हुई, वढ़ाई हुई, खेत जिहड़े सन वह पद्धरे हो गए, सप्पां की खुराक खत्म हो गई। जदों मीह पिया, डड्डियां कीड़े मकौड़े मच्छी पैदा हुए, तो सप्पां नूं एक तो खुराक मिल गई,
एक उन्होंने धरती ठंडी मिल गई, सप्पां नूं खुशी हुई सौण दा महीना आया। पिंडां च किते कतार सप्प सौण दे महीने च ज़्यादे देखण नूं मिलदे आ। गुरु नानक साहब जी ने यह समाज नूं वेखिया ते उहदी गल गुरु साहब ने बाणी च कीती है। यह क्यों कीती है आपां बाद च दो मिनट विचारांगे। महाराज कहन लगे चार जणिआं नूं सौण दे महीने की बहुत खुशी हुंदी है, नानक सावण जे वसै चौं उमाहा होए। पहले नंबर ते नागां सप्पां नूं, दूजे नंबर ते मिरगां। मिरग पाणी दी भाल विच तिहाए मर जांदे सन, पाणी किथे, पाणी दौड़दे दौड़दे, पर जदों मीह पै गया बड़ा सौखा मिल गया उन्हां नूं पाणी। नागां नूं भी खुशी हो गई, दूजे नंबर ते मिरगां नूं भी खुशी हो गई, तीजे नंबर दे उत्ते मच्छियां, मच्छी दा ते जीवन ही पाणी है। पाणी दी जिथे घाट सी बड़ी धुप दे करके तपश करके दलदल बन जांदी सी, पानी सुक सुक के मच्छियां तड़फ तड़फ के मर जांदियां सन। वर्खा पैंदी सी मच्छियां दा घर पानी वड्डा हो जांदा सी, तलाब बन जांदे सन, मच्छियां भी बड़ियां खुशी हुंदियां ने। ते चौथे नंबर ते रस्सियां घर धन होए, जिहड़े अमीर लोग ने ओ इस सौण दे महीने विच जीव दा रस लैंदे हन। चलो जी चाह नाल पकौड़े बनाओ, अज गोभी दे बनाओ, अपने इत्थे जिवें मालपूड़े बन रहे आ, मौसम दस रहा सौण आया है। ते जिहड़े बंदे थोड़े, क्योंकि जिन्हों जो टेस्ट हुंदा है, जिहड़े पैग लाने वाले बंदे आ वो वैसे शाम नूं भी हुण सौण चढ़ गया, उन्हां दे भावें भी इसे लई सौण चढ़िया है, वो शाम नूं अपनी ड्रिंक दी पैग दी तैयारी करदे ने। महाराज कहिंदे चार लोग बहुत खुश हुंदे हन। पहले लोग ने पहला जिक्र किया है नागां, दूजे नंबर ते मिरगां, तीजे नंबर ते मच्छियां, चौथे नंबर दे उत्ते रस्सियां। घर धन होए, जिन्हां दे घर विच पैसा है थोड़ा बहुत वह इंजॉय करते हैं, रस माणते हैं। चलो अज ये बनाओ, अज जोमैटो तो यह ऑर्डर करो, अज मीह पै रहा है, अज मम्मा रोटी रहण दिओ, अज आपां ऑर्डर करते हैं, अज मौसम बड़ा सोहणा है, घूम के आने। रस्सियां धन, रस्सियां नूं, रस्सां जीव दे स्वादां वाले नूं बड़ा खुशी हुंदी है, चाउ हुंदा है। यह सी पहला श्लोक। इस श्लोक च आपां यह समझिया महाराज कह रहे ने चार जणिआं नूं सौण दे महीने की मीह की बहुत खुशी हुई। अगला श्लोक है, गुरु साहब कहिंदे नानक सावण जे वसै चौं विछोड़ा होए। महाराज कहिंदे उधर चार जणिआं नूं खुशी हुई, तो इधर चार जणिआं नूं बहुत बड़ा दुख लग गया भी सौण दा महीना आ गया, क्योंकि समाज विच तरह तरह के लोग रहिंदे ने, इक्को चीज़ सारे नूं फिट नहीं बहिंदी। इक्को चीज़ कहिंदे किसी परिवार के मैंबर ने, खास ने, दो धीआं सन, एक जिमीदार दे नाल विआह दित्ती, एक घुमिहार दे नाल विआह दित्ती। पत्नी कहिंदी भी जा धीआं दे हाल चाल पुछिया, खबर सार पुछिया, वो इक्को पिंड च विआहियां सन। पहले कोल गया पिता, पहली धी नूं पुछदा भी तेरा की हाल चाल, वो कहिंदी भी हाल चाल ते देखो जे मीह पै गया फिर ते दाणे आ गए, घर बीज ते पाया, पानी दी घाट है, जे मीह पै गया। चाह चू पी के दूजी धी कोल गया, दूजी घुमिहारां दी सी, वो कहिंदी जे मीह पै गया साडा ते घर उजड़ जाणा। घर वापस गया, पत्नी कहिंदी धीआं दा की हाल, कहिंदा है ते दोवें हले ठीक ने, थोड़े दिनां च दोनां दा इक दा घर उजड़िया है। सौण दा महीना आया, चार तरह के लोगों ते खुशी हो गई, सप्पां नूं, मच्छियां नूं, मिरगां नूं, ते जीव दे स्वाद लैण वालियां नूं। ते महाराज कहिंदे चार ही लोग बड़े परेशान हुए, दुखी हुए, वो कौन हन? नानक सावण जे वसै चौं विछोड़ा होए। चार जणिआं नूं दुख होया, कौन कौन हन? गाई पुत्ता, गाई पुत्ता हुंदा, गाई पुत्त बलद हुंदा, बलद जिहदे उत्ते भार पा के खेतां दे विच जमीन नूं पद्धरा किया जाता है, क्योंकि अज ट्रैक्टर ने, पुराने समय च बलद हुंदे सन। जदों मीह पैंदा सी उदों किसान रात नूं ही बलद नूं खुराक पा दिंदा सी उहदी खुरली च, बलद भी खुश हुंदा सी भी अज खुराक बड़ी वधिया मिली आ। उह तड़क सार किसान उठ के ना चार बजे, क्योंकि वर्खा पैण करके जमीन पोली हो जाती है, नरम हो जाती है, उहदे उत्ते हल जोणा सौखा है। जिहड़ी जमीन धुप दे नाल हार्ड हुई है उहदे उत्ते जोर लाना बड़ा औखा है।
जे आप कह लिए भी जिहड़े मजदूर ने कही नाल कोई खड्डा पुटदे ने, जिहड़ी जमीन सुक्की है धुप्प दे नाल उह पत्थर बन जांदी है, उहदे ते कही चलाउणी बड़ी औखी है। जिहड़ी जमीन थोड़ी नरम हो जाती है, रेता है, रेता चुकना बड़ा सौखा है। महाराज कहिंदे बलद खुश हो जा, बलद जिहड़े ने उह परेशान हो जांदे ने भी हुण जमीन जिहड़ी है पाणी मिल गया, मैं इन्ने दिनों तो अपना आराम कर रहा सी, बैठा खुरली च खुराक खांदा सी, मालक भी नहीं खेतां च जांदा सी, अज मौसम ठंडा होया, तड़के चार बजे किसान उठदा ते बलद की तैयारी करदे जमीन दे उत्ते उहनूं लै जांदा है, क्योंकि जमीन नरम हो गई, उहनूं पता है भी हुण मैं बीज पाणा है, इस नरम सिल्ली जमीन दे उत्ते मैं बल नूं जो लवां। पहली गल गुरु साहब कहिंदे बलद बड़ा दुखी हुंदा है भी मीह पै गया। दूजे नंबर ते निरतना गरीब लोग, असीं ते कहिंदे आ मीह च पकौड़े बनाओ, ये बनाओ, जिहड़े लोग गरीब ने हुण जिवें पंजाब च है, बड़े घराणियां नूं कोई फर्क नहीं, वह थले रहिंदे ने, पाणी वध मात्रा च आया वह दूजी बिल्डिंग ते चढ़ गए। जिहड़े मोची हन, जिहड़े मजदूर हन, उहनां दी दिहाड़ियां भी मर रहियां ने, रोज़ दी रोज़ पैसा कमाना, घर आटा लेके आना, प्लस उहनां दे घरां च पाणी बढ़ गया, वह तो छत ते भी नहीं चढ़ सकते क्योंकि छत भी डिगण वाली हो गई। गुरु साहब कहिंदे पहले नंबर ते बलद बड़ा दुखी होया, दूजे नंबर दे उत्ते गरीब बड़ा दुखी होया, निरतन, तीजे नंबर ते पंथी, पंथी दा अर्थ है राही, जिहड़े बंदे सफ़र करदे हन, मीह पैण लग पिया भी हुण आपां की करिए, किसी रिश्तेदारी दे विच जाणा हुंदा है, विआह दे विच, जिहड़े विआह दे विच मीह पै जावे सारा स्वाद किरकिरा हो जांदा है, उह कपड़े किवें पाए जाण, कपड़े मिले हो जांदे ने, पहलां ते राहां दे विच चिक्कड़ बहुत हुंदा सी, पंथी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अजोके समय च, पुराने समय चिक्कड़ तो डरते सी मीह च, अज आपां थोड़ा अपडेट विचार कर लिए, अज ये डर रहिंदा भी मीह पै गया तो मेरा मेकअप लै जाना है, अज ये हो गया। मतलब कि महाराज कहिंदे पहले नंबर के उत्ते बलद परेशान होए, दूजे नंबर के उत्ते गरीब लोगों नूं औखा हो गया, तीजे नंबर के उत्ते पंथी राही कोई रिश्तेदारी च जाण वाला, कोई राहां दे उत्ते तुरन वाला, मीह ही पैंदा रहा ते ओ बेचारा एक थां ते खड़े दा खड़ा रह गया, उहनूं भी औखा हो गया। चाकर होए, चौथे नंबर दे उत्ते चाकरी करन वाला, नौकरी करन वाला, कोई दिहाड़ी करन वाला, कोई किसे कम कार ते जाण वाला, उहनूं भी औखा हो गया। एक ते मौसम खराब हो गया, कुदरती घर दे विच वधिया रस्सियां चीज़ां बना रहे ने, मैं खा नहीं सकांगा, मैनूं कम जाना है। एक नौकरी करन वाला मीह दे विच औखा हो गया, ये चार जने परेशान हो गए। तो ये श्लोक है गुरबाणी, आपां ये एवें पढ़ी ते आपां रख दित्ती, हुण इहदे चों सानूं की मिले वो आपां विचारना है। तुसीं कोई भी पाठ करो, वो इस तरह करो भी मैं ये पढ़ लिया गुरु साहब जी की बाणी का पाठ, अर्थ पढ़ लिया, हुण मैं सिमरन करा। सिमरन की है? इस बाणी का कनैक्शन मैं अपने नाल जोड़ा, यह है सिमरन। असी बाणी पढ़ते नहीं, कनैक्शन की जोड़ना जो तारा ही कोल नहीं, पकवान की बनाना जदों रसद ही कोल नहीं। रसद कट्ठी करो, बाणी पढ़ो, फिर रिलैक्स होकर बैठो। महाराज ने इंज कहा सी बाणी च, सुखी बसै मसकीनिया, इंज ये सिमरन है। सिमरन करो, वध करो, बंदगी करो, बैठो। महाराज ने कहा सुखी बसै मसकीनिया, मसकीनिया कौन हुंदा है? सर्च करो, गरीब निमाणा, निम्रता च। सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले, मैं सिमरन करां, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। जरूर समा कढ़ो तां जो जो कुछ पढ़िया है वह साढ़े नाल जुड़ सके। जे आपां साडे नाल ही नहीं जुड़िया, सारी रसद आपां इकट्ठी कर ली, घ्यो रख लिया भांडे च, प्याज कट के, उहनूं बनाया ही नहीं, वह रसद पई पई खराब हो जाणी है, उहदा फायदा की होना? जे तुसीं पाठ करिया है, रसद इकट्ठी कर ली, उहनूं बनाओ भी तो सही ना। आपां जे को खावे जे को भुंचै, असीं तां खा ही नहीं रहे, बैठो। हुण ये श्लोक च चार लोग परेशान होए, चार लोग खुश होए, जदों बरखा आई, जदों सौण दा महीना आया। हुण आपां अपने ते गल लेके जांदे हाँ, जदों गुरु दी बाणी दी अमृतमई वर्खा हुंदी है, सौण दा महीना आया, गुरु साहब दा प्रकाश होया। चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। जदों गुरु दी बाणी दी शब्द दियां बूंदा चलियां, वर्खा होई,
उदों भी कुछ लोग परेशान होंदे ने, कुछ लोग खुश होंदे हन। जिहड़े सूझवान हन, जग्यासू हन, कांखी हन, शरदावान हन, वह कहिंदे वाह भी अज फलानी थां ते समागम, अज ते आपां बाणी दे शब्द सुणांगे, अज ते कथा होणी है, बाणी दी नॉलेज मिलेगी, अज कौन प्रचार कर रहा है, अच्छा गुरबाणी दी कथा है, गुरबाणी दी विचार है, वह खुश होंदे हन, साडा गुरबाणी नाल इंट्रस्ट वधेगा, गुरबाणी दी गहराई नूं फड़ांगे। किन्हां नूं खुशी होई? जो बदलना चाहुंदे हन, जो चेंज होना चाहुंदे ने, जिहड़े अंदरों तपे हुए सन नागां वांग, वह चाहुंदे ने बाणी मिलेगी, ठंडक मिलेगी। जिहड़े लोग बाणी तों टुट के पहलां मच्छी वांग तड़फ रहे सी, बाणी रूपी पाणी मिलिया, वह मच्छी वांग खुश हो गए, आह हा हुण जीवन हुण बणी गल, मैं तो यह चाहुंदा सी। किन्ने समय तो होर ही कुछ चलता गया, होर ही कुछ चलता गया, कोई वह पतवंता सज्जन आ गया, कोई वह राजनीतिक समागम आ गया, बहुत वड्डे वड्डे समागम ने, अठारह अठारह संत सदे होंदे हन, वह अठारह एक दूजे नूं वडाउंदे रहिंदे हन, आपां उधर नहीं, बेनती सुनो, बहुत लोग खुश होंदे हन, गुरबाणी की अमृतमय वरखा ने मेरी प्यास बुझाणी है, मेरे अंदर ठंडक पैदा करनी है, तो बहुत लोग दुखी होंदे हन। कौन दुखी होंदे हन? गुरबाणी की गवाही, जिन के चित कठोर है से बह न सतगुर पास, ओए वल छल कर चत कढ दे, वल छल चत कर भी वह परेशान हो जाते हैं, एवं परेशान होंदे ने, टाइम देखते ने, लंगर किन्ने बजे है, अरदास क्यों नहीं हुई, हुक्मनामा एडा वड्डा क्यों आ गया, ओए वल छल कर चत कढ दे, इन्ना समा लंगर पहला शुरू कर दियो जी, इन्ना समा ओए वल छल कर चत कढ दियो, बस टाइम पास करते हैं भी कदों आनंद साहिब पढ़िया जाए। वो फिर दरी चादर कुछ ना कुछ उगेड़ते जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, कौन? जिमें कुछ कु लोगों मीह का नुकसान होया, कुछ कु लाभ, लाभ वाले तो खुश हो गए, जिहड़े परेशान हो रहे ने वह नहीं चाहते, वह नहीं चाह वल छल कर चत कढ दे, इत्थे चित नहीं लगता, फिर जाए बह कुड़ियारां पास, झूठियां च उन्हां दा जी लग जांदा है, चार चार घंटे बिना मतलब दीयां गल्लां, दो दो घंटे दीयां, असीं इत्थे आके भी जो गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां वह कर जांदे हां, इत्थों दीयां गल्लां बाहर ते की करनियां, बाहर दीयां गल्लां इत्थे लेके आ रहे हां असीं। तो कुछ लोग परेशान, होर सुनो, याद रखो विशा बहुत वड्डा है, समां हो गया, जिहड़ा बंदा जिस प्रोफेशन च परफेक्ट है, वर्खा हो रही है, जिहड़ा परफेक्ट नहीं वह इस वर्खा तो दुखी होवेगा, जिहड़ा बंदा गुरबाणी कीर्तन च रागां दा माहर है, रागां दा माहर है, वह राग पढ़ेगा ना, जिहड़े लोग दो तुरां दे उत्ते वाह गुरु लगे न तत्ती वाओ, लगे न तत्ती वाओ, नानक नीवा जो चले, ये बाणी च ही नहीं है, उन्होंने राग चुभणगे, जिमें मीह पै जे किसी राही नूं मीह चुभदा है, किसी बड़े ध्यान नाल सुनो, इस तरह जे कोई प्रबंधक बड़ा प्रबंध वधिया चला रहा है, जिहड़े विचों घबले करन वाले ने उन्हां नूं परेशानी हुंदी है, वह कहिंदे लै वी बरखा हो गई। इस तरह जिथे गुरबाणी का सच सुनाया जा रहा है, जिहड़े लोग तुहानूं जागृति विच नहीं लेके आना चाहुंदे, जिहड़े बंदे तुहाडे च इंट्रस्ट पैदा नहीं करना चाहुंदे, जिहड़े नहीं चाहुंदे तुसीं सीधा गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ जाओ, वह कहिंदे भी असीं दायरा बणीए, असीं दायरा बन के असीं ही गुरु बन जाइए, असीं ही अपना वडियाईए, वह लोगों नूं भी गुरबाणी दे सावण दी वरखा दी बहुत वड्डी मुश्किल हुंदी है, उन्हां नूं गुरबाणी दी वरखा चुभदी है, बाकियां दे तपदे हिरदिआं नूं बाणी ठारदी है, उन्हां दे हिरदे होर तपदे जांदे हन। कई तो कहिंदे कथावां क्यों होण लग पईआं समागमां च, क्यों होण लग पईआं? मैनूं याद है मैं संत नगर 2019 दे विच 15 दिन दी कथा सी, संत नगर दिल्ली च इत्थे आया सी, मैनूं उत्थे इक पाठी सज्जन मिलिआ, वो पाठी सज्जन कहिण लग्गिआ वी कहिंदे जदों तों इह कथावां होण लगीआं ना बड़ा कम्म खराब हो गिआ। मैं पूछिआ भी क्यों भाजी, भी कम्म किवें खराब हो गया? वह कहिंदा लोग अखंड पाठ कराई नहीं रहे, मैं पाठी हाँ, लोग आपे सहज पाठ करन लग पे। जिथे जिथे जागृति होवेगी, बड़ा ध्यान दिओ,
उत्थे कुछ कु जणियां नूं नुकसान जां उहनां नूं तकलीफ होवेगी वी इह जागृति तब्दीली क्यों हो रही है। तो इस करके सतगुरु जी ने कहा भाई गुरबाणी रूपी अमृतमई अज सावण महीना होया है, ऐसा ना होवे असी अहंकार दीआं छत्रियां लै के बैठीए, ऐसा ना होवे इस अहंकार दे कारण असी गुरु दी अमृतमई बाणी दी वरखा तों वांझे रह जाइए। जिमें बड़े समय तो धुप सी, बड़े समय तो मौसम गर्म सी, बड़े समय तो तपश पैदा हो रही सी, सारियां दे मन च चौ हुंदा है कि अज मीह पिया, अज मीह च नहा लईए, बच्चे किवें नचदे ने कुददे ने, अज मीह आ गया, मीह आ गया, मीह आंदा वी नहीं, कई बार भुलेखा जिहा पा के चल जांदा। अगे पढ़ांगे आपां अगले महीने भादो ए भरम भुलाणियां। महाराज ने भादो दे महीने च भरम दी गल क्यों कीती? क्योंकि भादो दे महीने च बणिया रहिंदा मीह आया आया आया, उह जदी धुप निकल जांदी है। आपां सोचदे हां धुप्पे धुप्प जी मीह पैण लग, भादो दे महीने च भरम ही बणिया रहिंदा है, भादो ही भरम भुलाणियां अगे आएगा। तो सावण दे महीने च महाराज ने सानूं इह संदेश दित्ता है कि चार तरह के जीव खुश हुंदे ने, चार तरह के जीव परेशान हुंदे ने। इस तरह गुरबाणी की अमृतमई वरखा जदों जदों पएगी, कुछ कु लोग खुश होणगे, कुछ कु लोग परेशान हुंदे हन भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चेंज नहीं आना चाहिए, उस तरह पुराना जोक जो चलता रहना चाहिए है। सो असी गुरु की अमृतमई वरखा का आनंद मानना है। बेनती है 1279 ये पावन शब्द है सौण महीने का, जरूर तुसी कोशिश करियो। आपां ये पकवान भी तैयार करना है, गुरबाणी रूपी पकवान भी आपां पढ़ना है। ताई ते महाराज ने कहना भी अपन हथी अपना आप ही काज सवारी है। समाजिक भोजन तो हो सकता दो जणियां ने तैयार किया, सारा परिवार खा रहा है। कई परिवारों के माइंड च यह बनिया होया भी परिवार का एक बंदा ही सहज पाठ करे, वह सहज पाठ का असर सारियां नूं मिलता जाएगा, ऐसा नहीं हुंदा। आपन हथी अपना, बाकी भोजन ते पंज रोटियां पंज मैंबर खा लेंगे, पर यह भोजन जो जो खाएगा, जे को खावे जे को पुंचे, उत्थे नहीं लिखिया सारियां दा उदार नहीं, तिसका जो खाएगा जो पुंचेगा। इस करके चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई नौजवान है, चाहे कोई बजुर्ग है, वो सतगुरु की बाणी नाल जुड़ो। साडे तपदे हिरदियां दे विच जिहड़ा साडा अंदर मौसम भादों का बनिया होया है, अंदर मौसम हाड़ का बनिया होया है, सौण दे महीने च गुरु की बाणी की वरखा अपने हिरदे ते पवाईए, तां जो साडे हिरदे थोड़े ठंडे होण, थोड़े असी गुरु के सहज विच आ के बख्शिश प्राप्त करिए। इन्नी बेनती प्रवान, होईआं भुल्लां की खिमा बख्शनी।